नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के महिला सम्मान के विरुद्ध आज लक्ष्मण रेखा लांग दी गई। एक ओर किसान आंदोलन में रेप होने और लाशें लटकी होने के कंगना के बयान को लेकर कंगना बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर मुलाकात करने पहुंची थी, तो इसी बीच पूर्व सांसद और अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने आपत्तिजनक बयान दे दिया। पहले सुनिए कंगना के खिलाफ क्या कहा गया। कंगना रनौत जो सांसद हैं, उनका बयान आया किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए, अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता जो बांग्लादेश का हुआ है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रनौत साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है, उनको कैसे तजर्बा है। तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। ये किस तरह का अटपटा बयान, रेप का तजुर्बा। मैं जानती हूं कि ये बयान नरेंद्र मोदी से सीधा मुकाबला कर रहे किसी राजनीतिक दल के नेता का नहीं है। सिमरनजीत सिंह मान खालिस्तानी समर्थक हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कंगना रनौत को लेकर आए इस बेहद घटिया बयान पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई, या घुमा फिराकर विरोधी कंगना पर ही सवाल क्यों उठा रहे हैं। सवाल ये भी है कि कंगना के खिलाफ ऐसे बयान की नौबत आई ही क्यों। आपको याद होगा कि कंगना जब मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनी ही थी, तभी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस के सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना की एक फिल्मी तस्वीर पर पोस्ट हुआ था। क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। इस पर सुप्रिया की दलील बाद में आई और बहुत घंटों बाद आई, और ये दलील थी कि उनकी टीम के किसी सदस्य ने ऐसा पोस्ट किया, उनकी खुद की सोच ऐसी नहीं है। लेकिन सुप्रिया ने अपनी टीम पर क्या कार्रवाई की, ये आज तक उजागर नहीं है। दुखद ये भी है कि कंगना को लेकर आज ऐसी सोच उस समय सामने आई है जब कोलकाता रेप और मर्डर से देश स्तब्ध है। कोलकाता ही क्यों, हाल में महाराष्ट्र का बदलापुर, कन्नौज, अयोध्या, असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध के चर्चित मामले हुए हैं। इन मामलों पर राजनीतिक चश्मे से ही प्रतिक्रियाएं आई हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या कंगना रनौत पर फूहड़ बयान सिर्फ इसलिए आया क्योंकि कंगना इकोसिस्टम को चैलेंज कर रही है। यही है आज सवाल पब्लिक का। कंगना रनौत के किसान आंदोलन में रेप और लाशें लटकी होने और आंदोलन के पीछे चीन और अमेरिका की शक्तियों की बात की थी। इस बयान से बीजेपी ने भी पल्ला झाड़ लिया था और उन्हें भविष्य में ऐसी बयानबाजी से बचने को कहा गया। जेपी नड्डा से आज 40 मिनट हुई कंगना की मुलाकात यही हिदायत देने के लिए थी, लेकिन क्या कंगना रनौत के विचारों का विरोध उन्हें पर्सनल टारगेट करके नहीं किया जा रहा। याद कीजिए, कुछ हफ्तों पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला CISF कांस्टेबल ने कंगना रनौत पर हमला किया था। इस हमले की गंभीरता को किसान सेंटिमेंट के नाम पर दबाने की कोशिश की गई थी, और आज जब किसान आंदोलन पर कंगना के बयान पर एतराज है, तो सिर्फ सिमरनजीत सिंह मान का बयान हदे नहीं लांघता क्या। सुनिए कांग्रेस के दूसरे नेताओं सज्जन सिंह वर्मा और उदित राज, इनके क्या बयान है। उनके आंदोलन को पवित्र ना मान के जो आपके पेट को भरता है अन्न पैदा करके, उसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं कि वहाँ रेप होते थे, लाशें टांग दी जाती थी। मैं धन्यवाद देता हूँ उस
एयरपोर्ट पे जिसकी ड्यूटी लगी थी, कांस्टेबल थी, एक लपड़ इसके चेहरे पे मारा था। ऐसी महिलाओं पे इन्हें वापस बम्बई लौट जाना चाहिए, राजनीति के रास्ते इनके लिए ठीक नहीं है। कंगना रनौत के विचारों से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन आज कंगना के जिस बयान पर इतना हंगामा मचा हुआ है उसके कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। मई 2021 में टिकरी बॉर्डर पर 25 साल की एक्टिविस्ट के साथ गैंगरेप के आरोप वाली घटना का वर्णन हुआ था, जिस पर हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज भी किया था। मैं सिर्फ फैक्ट कोट कर रही हूँ। किसान सोशल आर्मी नाम से टेंट लगाकर आंदोलन स्थल पर आरोपी रह रहे थे। मैं फिर से बता दूं कि मैं सिर्फ फैक्ट कोट कर रही हूं। अक्टूबर 2021 में सिंघू बॉर्डर पर दलित मजदूर की हत्या कर सरेआम लटकाए जाने की घटना भी सामने आई थी, लेकिन कंगना के बयान पर एतराज जता रहे लोग आरोप लगा रहे हैं कि कंगना ने किसान आंदोलन स्थल पर रेप और मर्डर की घटना को जनरलाइज किया, सारे किसानों को उसका रिस्पॉन्सिबल बताया। आप ऐसे जरूर कह सकते हैं, इस पर सवाल भी उठ सकते हैं और ये सही भी है कि क्या जनरलाइज सारे किसानों को ऐसा कहा कंगना ने, तो क्या ये सही था या गलत? बिल्कुल गलत। लेकिन क्या कंगना को निजी तौर पर टारगेट किया जा रहा, इस पर सुनिए खुद सांसद कंगना का जवाब क्या है। अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है वो आवाज को दबाया जाएगा और एक फिल्म को, मेरी क्रिएटिव लिबर्टी को, क्योंकि कुछ लोगों ने बंदूकें तान दी हैं हमारे माथे पे रख दी है, तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं। और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, रेप और थप्पड़ की धमकी क्योंकि कंगना रनौत ने इकोसिस्टम को चैलेंज किया? जब कंगना रनौत जैसी महिला सांसद को धमकी, तो महिला सम्मान और महिला उत्थान की बात का क्या मतलब है? कोशिश क्यों हो रही है इस तरह की कि कंगना को हर चीज के लिए गुनाहगार और सड़क पर जस्टिस देने की कोशिश हो रही है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। अजय वर्मा जी नेता कांग्रेस के हैं, जूही सिंह जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, रवि श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं। और मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ अजय वर्मा जी आपसे, अजय वर्मा जी माना कि आपको कंगना रनौत के विचार सही नहीं लगते, किसी को नहीं लग सकते, दो मत हो सकते हैं और आपको आपत्ति भी हो सकती है उनकी बातों से, पर क्या ये कहना कि उन्हें रेप का अंदाजा है, रेप का एक्सपीरियंस है, जैसे साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस होता है वैसे रेप का एक्सपीरियंस होता है, या जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं उन्हें लपड़ लगा तो बहुत अच्छी बात है, ये किस तरह की भाषा है, ये किस तरह का अटैक है? अगर विचारों का मतभेद है तो वो विचारों का मतभेद एक्सप्रेशन से होता है, वायलेंस से या रेप करके किसी महिला के बारे में इस तरह की बात करना कहां तक सही है? और कांग्रेस जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहती है, इस लड़की के लिए आवाज नहीं उठाएगी? देखिए नाविका जी, किसी भी देश में, हमारा देश है भारत का देश, महिला से इस तरह की कोई भी अगर बात की जाए तो ना तो कांग्रेस पार्टी उसकी समर्थन करती है ना उसके साथ है। ये गलत तरीका है किसी पे पर्सनल अटैक करना, कोई भी करे, ये गलत तरीका है और हम इससे बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है, ठीक है। और हम इस तरह के बयान को बिल्कुल भी पॉलिटिकल फील्ड हो या कहीं और फील्ड हो नहीं करना चाहिए, जो भी कह रहा है वो कोई भी हो वो गलत है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, देश है ये भारत, 145 करोड़ के देश है यहाँ, ये महात्मा गांधी जी का देश है। जब कंगना रनौत तो एमपी तो अब बनी है नहीं थी, कहा उन्होंने कि भारत 2014 से पहले आज़ादी नहीं होता, 2014 के पहले, उसने सारे के सारे आज़ादी के मतवालों के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया और कहा कि महात्मा गांधी जी का कोई योगदान जो है भारत की आज़ादी में नहीं था।
कि कंगना रनौत जी बड़बोला होना अलग बात है, लेकिन देश के काल, देश के हित में, काल के हित में, आज़ादी के हित में कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। अच्छा, फिर अब किसानों की बात आती है, या वो जो थप्पड़ नहीं मानना चाहिए, इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन जब ये एक उसके लिए कहा उनकी माँ के लिए कि 100-100 रुपये में यहाँ ऐसी मिल जाती हैं, 100-100 रुपये में, ये बयान है, ये वीडियो है मेरे पास कि किसान आंदोलन में 100-100 रुपये में लेडी ऐसी मिल जाती हैं, 100 रुपये लीजिए आ जाती हैं। उस बयान के ऊपर उससे प्रेरित होकर उस लेडी का एक दूसरा इंटरव्यू आया था जिसने मारा था, हालांकि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, अब लिया तो वो उनके सजा उनको मिली और उसको जाने वो क्या किया है। मैं कंगना जी से ये पूछना चाहता हूँ, रामबिका जी और आपसे भी पूछना चाहता हूँ, जो भारत का किसान है, भारत की छवि अन्न के क्षेत्र में पूरे संसार में कहाँ है आप जानती हैं, और उस अन्नदाता को किसी एक चीज के ऊपर सबको सानना, सबके ऊपर आरोप लगाना, सबको चिन्हित करना कि यहाँ लहसें और यहाँ बलात्कार थी, ये कितना जायज है? हालांकि आपने अभी खुद इसकी मुखालफत करी थी। बिल्कुल जायज नहीं है, मैं मानती हूँ बिल्कुल जायज नहीं है। उनके विचार के साथ आप असहमत हैं, मैं भी कई बार असहमत रहती हूं, लेकिन फिर कहना कि अरे भाई उन्हें लपड़ लगा तो अच्छा लगा, उन्हें रेप का तजुर्बा है, हर्षवर्धन जी क्या ये सही है? और ये सोच नहीं दिखाता? उदित नारायण जी कह रहे हैं कि तो भाई एक्शन है तो रिएक्शन, उदित राज जी कह रहे हैं एक्शन है तो रिएक्शन होगा। एक मिनट, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं लपड़ लगा तो अच्छा लगा, और इंस्टाग्राम पर जो सोच सुप्रिया श्रीनेट की आई थी, और मैं उन्हें आज भी वो सवाल जरूर पूछूंगी कि आप तो महिला हैं, आपने ये पोस्ट डाली थी कि क्या रेट चल रहा है मंडी का, आप महिला के बारे में ऐसा बोलेंगी? आप कहती हैं कि आपके टीम से किसी ने किया था, भाई आज तक तो कोई एक्शन लेता हुआ हमें दिखा नहीं, पब्लिक में आया नहीं, तो क्या क्या माना जाए, क्या समझा जाए? और इस तरह से जस्टिफाई करना, क्या ये सही है हर्षवर्धन जी? ठीक है नवका जी, मेरी समझ में नहीं आता कि कोई भी नेता सिमरनजीत सिंह मान आज की तारीख में जो कह रहे हैं उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, उनके उनको लानत भेजा जाना चाहिए। कैसे उनके ऊपर कोई पार्टी सॉफ्ट हो सकती है बड़ा नरम रवैये में कि बोला तो गलत किया? कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी एक समय में ये पार्टी हर तरह से बहुत जिसको कहें कि एक मानदंड हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे। अब सुप्रिया श्रीनेत हैं जिन्होंने एक पोस्ट की, उसका पूरा जब ट्रैक्शन मिल गया, वो सोशल मीडिया देखती हैं, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद उनका किसी ने टीम में कर दिया। अब इस तरह से अगर कोई एक महिला नेता जो आज की तारीख में राहुल गांधी और सोनिया के बहुत नजदीक हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी पूरे परिवार के, वो करती है तो इससे मानसिकता समझ में आती है। अब उसके आगे की बात, क्या कंगना रनौत ने जो कहा उसमें तथ्य के तौर पर कोई गलती है? क्या जो आपने जिक्र भी किया कि किसान आर्मी के कैंप में, टेंट में बंगाल से आई हुई एक महिला जो आंदोलन के लिए ही आई हुई, उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, क्या यह सच नहीं है कि एक दलित को सिंघू बॉर्डर पर तड़पा तड़पा कर काट कर मार दिया गया? क्या यह सच नहीं है कि जिस दिन लाल किले पर हमला हुआ, आईटीओ पर जो ट्रैक्टर्स गए थे उसमें शराब की बोतलें भरी हुई थी? क्या यह सच नहीं है कि जो ट्रैक्टर था उसको फाइटर बनाकर पुलिस को मारने जा रहा था, एक नौजवान मर गया, और उसको भी लेकर बहुत ढेर सारे पत्रकारों ने झूठ बोला कि पुलिस की गोली से मर गया? क्या यह सच नहीं है कि बाकायदा महिलाओं के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई? क्या यह सच नहीं है कि लाल किले पर पुलिस वालों को लाल किले के बगल, जो किसी भी किले के बगल सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, उस नाले में कूद कूद कर अपनी जान बचानी पड़ी? क्या यह सच नहीं कि गृहमंत्री अमित शाह वो जब अस्पताल में गए तो उन दिल्ली पुलिस के सिपाहियों, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के चेहरे, सर, कपड़े फटे होना तो एक बहुत सामान्य बात है, शरीर के हर हिस्से में चोट लगी हुई थी? क्या ये सब सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि दिल्ली में संसद भवन के ठीक सामने, शास्त्री भवन के सामने ये कहा गया, इंदिरा को नहीं छोड़ा था, ये मोदी क्या चीज है? क्या ये सच नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं फ्लाईओवर पर फंसे रह जाते हैं पंजाब में? क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को निर्वस्त्र करके पीटा गया, शरीर पर एक कपड़ा नहीं बचा था, वो भाजपा का विधायक था? क्या ये सच नहीं है कि किसान आंदोलन के दौरान टोल से अवैध वसूली की जा रही थी?
क्या यह सच नहीं है कि अभी नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि अगर पंजाब में इसी तरह से चलता रहा तो सारे हाईवे प्रोजेक्ट हमें बंद करने पड़ेंगे जो अभी दिल्ली कटरा, दिल्ली अमृतसर कटरा है। क्या हो क्या रहा है देश में? सिमरनजीत सिंह मान की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ये मांग भाजपा की तरफ से नहीं, देश के हर उस व्यक्ति की तरफ से आनी चाहिए थी जो इस देश के संविधान लोकतंत्र में यकीन रखता है। वो लाल किताब लहराने से संविधान नहीं बचता, प्रैक्टिस करने से संविधान। रवि श्रीवास्तव जवाब दीजिए, ये स्टेटमेंट पंजाब में हो रहा है और पंजाब में खालिस्तान बनाने का जो मंसूबा है सिमरनजीत सिंह मान का, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है? और फिर ये बयान, जैसे साइकिल चलाने का तजुर्बा वैसे ही रेप का तजुर्बा, इतना नीच बयान, इसमें कोई इफ या बट की गुंजाइश हो सकती है कहीं? बिल्कुल, देखिए मैं शब्दों पे और भाषा जो सिमरनजीत सिंह मान ने इस्तेमाल की है मैं उसका घोर विरोध करता हूं, ये कंडेमनेबल है। मगर मैं इसके पीछे की जो भावना है, जो स्पिरिट है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। अभी मुझसे पहले जो पैनलिस्ट हैं वो बड़े लोगों बड़े बयान दे रहे थे, क्या ये सच नहीं है, क्या ये सच नहीं है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के देश से माफी मांगी थी, 3 काले कानून वापस लिए थे? क्या ये सच नहीं है कि 750 लोगों ने, किसानों ने अपनी जान उन बॉर्डर्स के ऊपर दी थी? क्या ये सच नहीं है कि ये आंदोलन देश के अंदर चलने वाला एक इतना लंबा आंदोलन था जो पूरे 12 महीने चला था? माफी मांगी आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी कि हम देशवासियों को समझा नहीं पाए हम देशवासियों को, हम ये कानून वापस ले रहे हैं। धीरे धीरे सही आपको मालूम है क्या ये सच नहीं है? जलेबी छानना बंद कीजिए। क्या ये सच नहीं है कि कंगना रनौत ने कहा कि सब लोग मनाली आए और बर्फ में बैठ करके दारू पिए? झूठ बोल के आगे बढ़ रहे। महिला की आड़ में बदतमीजी करने का कंगना रनौत को भाजपा ने लाइसेंस दिया है क्या? आप जवाब दीजिए मुझे। वो गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगी जो 2014 में आजादी मिली, उसके पहले तो भीख मिली थी हमें, ये जवाब देंगी क्या? आप कह रहे हैं आप बयान और लफ्जों के साथ नहीं है, शब्दों के साथ नहीं है, लेकिन भावना के साथ है। भावना क्या है कि किसी को रेप का एक्सपीरियंस है जैसे साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस होता है? ममता काले जी, मैं आपसे पूछती हूँ, भावना के साथ है क्या? ये भावना सही है कि एक महिला के बारे में इस तरह की बात की हो? माना आपको महिला पसंद नहीं है, उसके विचार पसंद नहीं है, उसकी शब्दावली पसंद नहीं है, आपके मतभेद हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा मतभेद हो सकते हैं आपके हैं, हो सकते हैं, ये लोकतंत्र में अलाउड है, लेकिन आप भावना समझ रहे हैं उस बयान की जो कह रहा है कि एक महिला यानी कंगना को रेप का तजुर्बा है, भावना से आप सहमत हैं? ये कहां तक सही है ममता काले जी? नविका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पैनल में हम 3 महिलाएं हैं जो भारतवर्ष की आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है इन महानुभाव के द्वारा, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, उससे एक बात तो साफ है कि ये इनकी कलुषित सोच है महिलाओं के बारे में। ये कंगना रनौत के माध्यम से इन महानुभाव की सोच महिलाओं के बारे में निकली है, यही ये महिलाओं के बारे में सोचते हैं। आपने जैसे कहा कि आपका मतभेद हो सकता है, आपके वैचारिक उनके साथ बिल्कुल विचार नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप कंगना रनौत को चौराहे पे खड़े होकर के उनकी इज्जत इस प्रकार से तार तार करेंगे? आप बोलेंगे कि उनको रेप का एक्सपीरियंस है, और रेप का एक्सपीरियंस वैसे जैसे साइकिल चलाने का? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पुरुष भाई इसको डिफेंड कैसे कर रहे हैं, कैसे डिफेंड कर रहे हैं आप लोग? हम सब ने एक नारी की कोख से जन्म लिया है, भूल गए आप लोग? माना कंगना रनौत ने जो बयान दिया उस पर आपत्ति है, तो उसके लिए तो भाजपा जिनकी वो एमपी हैं उस पार्टी ने स्वयं बोल दिया कि नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनको फटकार पड़ गई, कंगना रनौत ने स्वयं आके बोल दिया कि भाई मैं आधिकारिक तौर पर नहीं बोल सकती और मुझे डांट पड़ी है, आगे से मैं सोच के बोलूंगी। सुनिए मेरी बात, इसका मतलब ये नहीं होता है रवि श्रीवास्तव जी कि आप इस तरीके से एक
महिला का कैरेक्टर असैसिनेट करेंगे, आप इस प्रकार से उनकी बेइज्जती करेंगे। और नविका जी, जिस कांग्रेस पार्टी की हम बात कर रहे हैं ना, दुख मुझे तब होता है जब वो पार्टी जिसकी शीर्ष में दो महिलाएं हैं, सोनिया जी और प्रियंका गांधी वाड्रा, उसके पार्टी के लीडर क्या बात करते हैं कि ऐसी औरतों को बंबई चले जाना चाहिए। सज्जन सिंह ने यह भी बोला, मतलब क्या है इनका यह कहने का, ऐसी औरतों को बंबई, मतलब कैसी औरतें, कैसी औरत, इसकी परिभाषा बताएंगे, कैसी औरत, पहली बात। और दूसरी बात, बंबई चले जाने का क्या मतलब है? इनका कहने का मतलब है कि बंबई में वैसी औरतें रहती हैं जैसी ये उनको पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बयान है, ये बहुत चिंताजनक बयान है। सिमरनजीत के साथ सज्जन सिंह को भी गिरफ्तार होना चाहिए। और मैं भारत वर्ष की आधी आबादी से निवेदन कर रही हूं इनके खिलाफ। सज्जन सिंह जी तो कहते हैं लपड़ पड़ा अच्छा हुआ, उदित राज जी कहते हैं सोशल मीडिया से इनकी इनके कैरियर कितना संदिग्ध रहा है ये भी पता चलता है। आप कौन होते हैं कैरेक्टर पर जजमेंट देने वाले? उदित राज जी, किसी मर्द से पूछा है कि उसका कैरेक्टर क्या है? किसी पुरुष से पूछा है? पुरुष कोई सर्टिफिकेट देगा महिला के कैरेक्टर का? और कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे महिलाओं को? श्वेता फरीदाबाद से यही सवाल पूछ रही है। कंगना ने आंदोलन के नाम पर अराजकता को उजागर किया तो फिर उन्हें रेप की धमकी क्यों? मनीष सबरवाल का मुंबई से सवाल, अगर महिला सम्मान को लेकर फिक्र है तो फिर राहुल और अखिलेश ने कंगना के खिलाफ बोले गए शब्दों का विरोध क्यों नहीं किया? मंजुनाथ का बेंगलुरु से सवाल है, बीजेपी की क्या मजबूरी है कि किसान आंदोलन पर कंगना के बयान पर बचाव नहीं कर रहे? ये सवाल है, जायज सवाल है। और जूही जी, मैं आपसे पूछूंगी क्या किसने क्या पहना उसके हिसाब से एक लड़की का, एक महिला का कैरेक्टर डिसाइड किया जाएगा और जजमेंट पुरुष देंगे? किसके सोशल मीडिया पे क्या रखा है उसके हिसाब से हम जज करेंगे कि अरे भाई ये अच्छी महिला है, ये अच्छे घर की है, ये अच्छे चरित्र की है, या किसी को लपड़ पड़ा तो सही पड़ा, या किसी का कैरेक्टर संदिग्ध है, करियर संदिग्ध है? और सबसे बड़ी बात, रेप का तजुर्बा, क्या ये पुरुष जो ये शब्द बोलते हैं इन्हें पता भी है रेप होता क्या है एक महिला के लिए? आप तो समझती होंगी, ऐसे ऐसे जब वाक्य आते हैं कहीं से तो बड़े नेता जो संविधान बचाने की बात करते हैं चुप क्यों हो जाते हैं? नविका जी, सांसद मंडी जी के बयान में क्या सत्य है और क्या तथ्य है ये सबको पता है। उस पर इस पैनल पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, सब लोग अपना आकलन कर लें। किसी भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना या उसके प्रति इस तरह की गैर जिम्मेदार संवेदनहीन टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति को स्वीकार्य होगा और उस पर निंदा ही की जा सकती है। साथ ही ये गंभीर विषय है, बलात्कार, घरेलू हिंसा, और आजकल तो दुखद ये है कि महिलाओं के साथ बलात्कार होने के बाद उनकी हत्या भी कर दी जाती है, नृशंस हत्या कर दी जाती है। हम लगातार देख रहे हैं प्रोसिक्यूशन रेट जो है वो आप भी बेहतर जानती हैं, सजा होती नहीं है। हमारे पास एक कठोर कानून है लेकिन कहीं ना कहीं शायद जिस इकोसिस्टम की आप बात कर रही हैं वो इकोसिस्टम ये है कि इच्छा शक्ति की कमी है कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए या हम अपने टर्म्स पे अपनी जिंदगी को जी सकें। कोई अन्य व्यक्ति क्यों हमारे करियर के बारे में टिप्पणी करे? और जैसा आपने कहा, लोकतांत्रिक आजादी है, संविधान के अंतर्गत हम सभी जो इस पैनल पर बैठे हैं वो चलते हैं और संविधान सुरक्षित रहे, इसी में हमारी सुरक्षा है। तो आज मैं ये कहूंगी कि संवेदनहीन बयान के चक्रव्यूह से निकल करके किसी के ऊपर टिप्पणी न की जाए और तथ्यों पर कॉन्सेंट्रेट करके जो हमने कानून खुद बनाए थे, निर्भया से लेकर अभया तक का सफर हो गया है, उन कानूनों को लागू करें। अखिलेश यादव जी का नाम आया, अखिलेश यादव जी वो व्यक्ति हैं, नेता हैं, जिन्होंने 1090, डायल 112, आशा ज्योति केंद्र, फास्ट ट्रैक कोर्ट, रानी लक्ष्मीबाई कोष, रानी लक्ष्मीबाई प्रकोष्ठ इसीलिए बनाया कि ऐसे अपराध रोके जा सके। रोकना आवश्यक है, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, क्रियान्वयन जरूरी है, बाकी
बयानों पर जरूर निंदा करनी चाहिए और कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। किसान अन्नदाता हैं, किसान आंदोलन के विषय में बहुत सी बातें कही गई, तो यह भी बताया जाना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिल रहा था, बहुत सारे किसानों की जानें गईं और उनका मुआवजा की जगह है। उस पर आपके विचार हमारे विचार एक है, लेकिन लेकिन कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे किसानों पर तो उसको रेप का तजुर्बा है ये कहना क्या सही है, और उसको मैं उसकी भावना के साथ हूं जस्टिफाई करना क्या सही है? सवाल इतना है। और क्या ये बयान आत्मा को झकझोड़ने वाला नहीं है? क्या इतना बड़ा नहीं है कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव इस पर कुछ बोलें, कुछ कहें? अक्सर करते हैं ना, सोशल मीडिया पर ही सही। नविका जी, मैं यहाँ बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, शायद अपनी पार्टी का एक जिम्मेदार प्रतिनिधि मानकर ही आपने मुझे बुलाया है, तो इस तरह के बयान का क्यों कोई समर्थन करेगा, जैसा एक और अन्य व्यक्ति ने सिमरनजीत सिंह मान ने कहा। और साथ ही मैं कहूंगी कि एक विमर्श जो लगातार चल रहा है वर्षों से, अब समय है कि हम अपनी इच्छा शक्ति से सारी सरकारें, मणिपुर हमने देखा जल रहा था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बच्ची को निरस्त करके एक हमारे सत्ता दल के आईटी सेल के लोगों ने उसकी परेड की, और हमने जब उसे मिलने की कोशिश की तो नविका जी ये वास्तविकता है कि प्रशासन ने इतना पहरा बचा रखा था कि उसे मिलने भी नहीं दिया गया, बच्ची इतनी डर गई थी। तो इस वातावरण को बदलने की जरूरत है, इस सोच को बदलने की भी जरूरत है, और सरकार जिस तरह से आपने बात कही बीएचयू की या आपने बात करी उत्तर प्रदेश के और मणिपुर की, मैं मानती हूँ इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन इच्छा शक्ति की तो इसमें भी कमी है, क्योंकि राहुल गांधी या अखिलेश यादव कलकत्ता तो नहीं गए, इच्छा शक्ति की कमी ही रही होगी। ममता काले जी, नविका जी मेरे को बस दो तीन चीजें अपनी बहन जूही से बोलनी है। इन्होंने सारा कुछ यूपी का गिना दिया, गिनाई है मेरी बहन, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में मेरी बहन अयोध्या भी आता है और कन्नौज भी आता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर आप अयोध्या और कन्नौज की बात भी करते, अयोध्या की उस 12 साल की नाबालिग बेटी जिसको आपके एक पदाधिकारी ने प्रेग्नेंट कर दिया, और उसके बाद आपके नेता कहते हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए। एक दलित महिला उसकी बेटी झूठ बोल रही है, क्या आप उस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि देखिए करनी और पत्नी में अंतर मत रखिए, इस प्रकार का विरोधाभास मत करना है। और देखिए जूही जी मैं आपके बीच में बोली थी, सुनिए, अगर आपको विमर्श है तो गंभीर नहीं बनाना है, आपने एक बार ये नहीं बोला कि सिमरनजीत सिंह को गिरफ्तार किया जाए, किस प्रकार से वो कंगना के बारे में बातें कर सकते हैं, ये तेरा मेरा रेप और मेरा रेप की बात नहीं होती है, ये चीजें गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं। और अखिलेश यादव से तो जब कन्नौज के रेप के बारे में पूछा गया था तो वो हंस रहे थे मीडिया के सामने, नविका जी वो लिटरली हंस रहे थे, तो क्या इस तरीके का राहुल अजय वर्मा जी राहुल गांधी कहाँ है, प्रियंका जी कहाँ है, नाविका जी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहाँ, नाविका जी नरेंद्र मोदी जी का अमित शाह जी का कोई बयान आया है क्या इसके ऊपर, विरोध में या किसी उसमें बोले क्या, कहाँ है वो दोनों लोग, नंबर वन और नंबर टू, जिसमें वही कहते हैं कि पार्टी अच्छा, में तो आप उनकी इंतजार नहीं, नहीं, तभी कहां राहुल गांधी जी बोले, नहीं नहीं राहुल गांधी उनको प्रॉब्लम है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आज कांग्रेस मोदी जी की किताब लेकर बैठे हैं, आज मोदी जी के इंतजार में कांग्रेस पार्टी बैठी है कि वो बोलेंगे तो हम बोलेंगे, और देश को आजादी दिलाने वाले शहादत को अपमानित करने वाले नहीं नहीं आप समझ आ गए, भाजपा का एजेंडा चलाते हैं, यहाँ बैठकर ये झूठ बोलते हैं। अगर मैं इनसे पूछूं बहुत सारे कौन झूठ बोल रहा है, बोल रहा है ममता जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं नहीं पर झूठ कौन बोल रहा है, प्रीसाइजली माय पॉइंट, कौन सा झूठ बोल रहा है, किताब ले आते हैं, कौन झूठ बोल रहा है, ये बताइए, यहाँ पर बैठ कर झूठ कौन बोल रहा है, नहीं आप बताइए ना, आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आप कोई गलती कर रहे हैं जो कंगना कर चुकी है, आप एक नर्स रत्नागिरी में रेप हुआ उसके ऊपर बोलेंगी, मोमबत्ती लेके जाएंगी, कहा है भाजपा का वो मोमबत्ती गैंग, और कहा मैंने मैंने सारी रेप की घटनाओं की बात की है, अगर आप कह रहे हैं तो झूठ बोला इस पैनल पे, मैं जाऊंगी, आप कोलकाता जाएंगे, आप जाएंगे कोलकाता, हम गए कोलकाता, कब गए, अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला आज तक,
फिर दूसरी नर्स के साथ रेप हो गया। हर्षवर्धन त्रिपाठी आप जाएंगे अभी दो पेड़ से फरुखाबाद में लड़की शर्म। मेरा मेरी अगली डिबेट है, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी बाकी सारे फेडर्स डाउन। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का जवाब गलत बोलेंगे कि शहीदों का आजादी के मतवालों को। जी सबसे पहले तो मुझे इतनी बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी नेताओं से। सीधा सा सवाल था, सीधा जवाब आना चाहिए था। ऐसा घृणित बयान उस आदमी ने दिया है जिसका नाम सिमरनजीत सिंह मान है कि उस पर कोई इफ बट नहीं लगना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से इस पैनल में लेकिन परंतु लगाकर बात। अब दूसरी बात, अजय वर्मा चिल्ला रहे हैं। अजय वर्मा मैंने जो कुछ कहा उसमें बताएं कि कौन बात झूठी। रवि श्रीवास्तव ने दो बातें झूठ बोली। रवि श्रीवास्तव ने कहा कि कृषि कानून के लिए मोदी जी ने माफी मांगी थी, झूठ बोला। नहीं नहीं आपने कहा ना, आपने झूठ बोला तो वापस क्यों लिए? अरे वापस क्यों भाई? क्यों ले लिए कानून? वापस इसीलिए लिया क्योंकि आप लोग इस तरह की अराजकता कर रहे थे। पार्लियामेंट में नहीं कहा था, वो एक काला धब्बा है। कृषि कानून देश लागू नहीं होगा, किसानों का भला नहीं होने वाला, सफल नहीं रहे। अरे भाई साहब भला नहीं होने वाला, वो सफल नहीं हो पाए, भाव नहीं होता, मोदी सफल नहीं हो पाए, मतलब ये थोड़ी ना है ना हो रहे होते। मैं कह रहा हूँ ना, अगर सरकारों में काम नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है ना उसको हम नहीं बोलेंगे। 80 रेप ना हो रहे होते। माफ, फिर से माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैं आज सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, और ना सिर्फ एक महिला पर, इस देश की नागरिक होने पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कोई गलत कहे, आपके मतभेद हो सकते हैं, आप कह सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। कंगना ने कहा, आप उससे अलग सोचते हैं, आप ज़रूर कंडेम कर सकते हैं जो उन्होंने कहा। जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए था, सब मानते हैं। लेकिन कोई गलत बयान दे तो उसको रेप का तजुर्बा है, उसको आते जाते लपड़ मार देना चाहिए, उसे मुंबई लौट जाना चाहिए और उसका करियर संदिग्ध है। इस तरह के बयान जब आते हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ हर उस शख्स से, वो पुरुष हो, महिला हो, वो राजनीति में हो या बाहर हो, कौन हक देता है आपको जजमेंट देने के लिए? हर किसी की निजी जिंदगी उसकी निजी जिंदगी है। किसी के भी चरित्र का हनन करना क्या सही है? आपको कोई पसंद नहीं है तो मैं उसका चरित्र हनन करूंगा, क्या यह सोच सही है? और वो लोग जो कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं और संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र खतरे में है, आज वो चुप क्यों है? ये सवाल आज देश भर में गूंज रहा है, क्योंकि जिस महिला के बारे में कहा गया उसको आप सपोर्ट नहीं करना चाहते। क्यों? इस देश की बेटी नहीं है, इस देश की महिला नहीं है। और जब पूछा गया था मंडी में आज क्या भाव चल रहा था, तो आपकी सोच सही थी क्या? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। तमाम पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करती हूं और